हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ मैकेनिकल गुरु परिवार के सभी सदस्यों की आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी, आपकी तबीयत सही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल तो लगातार गिरते जा रहे हैं। इंजीनियर्स में क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स की क्वांटिटी लगातार बढ़ते जा रही है। और इसका फर्क भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली हमको देखने को मिल रहा है। फॉरेन की, विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से लेकर विदेशों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इससे फर्क देखने को मिल रहा है। और अब वर्ल्ड बैंक बीच में आ चुका है। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि भैया इंडिया से जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो अच्छे इंजीनियर्स आए, और इसलिए वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गेट की कोचिंग के ऊपर, ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन पा सके। और गेट एक ऐसा एकमात्र एग्जाम है जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या है ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज 3? किस तरह आप इससे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह आप बहुत कम दाम में गेट की कोचिंग पा सकते हैं, और किस तरह आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं, इंडस्ट्री में जाने के लिए रेडी हो सकते हैं, स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, डिटेल में हम इसके बारे में बात करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आपका सपोर्ट आपका प्यार मेरी मेहनत मिलकर करेंगे कुछ बहुत अच्छा काम। इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो क्या है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज 3। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी, ऐसा क्या सीन बन गया कि वर्ल्ड बैंक $201 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गेट की कोचिंग के ऊपर किया है। भाई जैसा मैंने बताया, इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं, 80% के साथ इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं हर साल लाखों की तादाद में। इसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स का ये ड्रीम रहता है कि हम विदेश में जाएंगे, बड़ी कंपनी में या फिर बड़ी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए वो GRE और दूसरे तरीके के एग्जाम्स फाइट करते हैं। अब ये जो दूसरे तरीके के एग्जाम्स और ये GRE एग्जाम होते हैं, इनमें आप जैसे कि जानते हैं यार, इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए आपका, इसके अलावा वर्बल और क्वांट आता है, इसमें टेक्निकल आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। अब जो लोग निकाल लेते हैं इस तरीके के एग्जाम और पहुंचते हैं विदेशों की यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए, और अगर उनका एडमिशन हो जाता है MS में, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भैया उनका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होता। वो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो टेक्निकल उतने अच्छे से पढ़ाई कर नहीं रहे थे, नॉन टेक के पीछे ही वो पड़े हुए थे, और अब उनका एडमिशन हो गया MS में, और अब उनको होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपना ये कोर्स कंप्लीट करने में। इसके अलावा अगर सिलेक्शन हो जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो भी वहां पे उनके पास ऐसे नॉलेज नहीं रहती कि उस इंडस्ट्री की वो मदद कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में जो इंजीनियर बन रहे हैं वो इंडस्ट्री के लेवल के बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जाने के लायक बिल्कुल नहीं बने। इंडस्ट्री चाहती है कि एक जन 5 जन का काम करे, लेकिन इंडिया के इंजीनियर 5 इंजीनियर 1 जन का यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। और यह सब चीजें देखते हुए, इंडस्ट्रीज और बाहर की यूनिवर्सिटीज की सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए, वर्ल्ड बैंक ने टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज 3 स्टार्ट कर दिया है भारत में। और इसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गेट की कोचिंग के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों आपके भी मन के किसी एक कोने में ये जरूर ड्रीम होगी कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जाता हूँ अमेरिका, यूरोप या फिर सिंगापुर आगे की पढ़ाई करने के लिए। किस तरह आप गेट के एग्जाम के थ्रू इन तरीके की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना दिया है। लेकिन अगर आप गेट के एग्जाम के थ्रू नहीं जाते और दूसरे किसी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन पाते हैं, तो आप नॉन टेक्निकल की पढ़ाई करके जाते हैं, और उससे फिर बाद में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर मास्टर्स वगैरह में आपका एडमिशन हो जाता है तो। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज 3 लॉन्च किया गया है भारत में, इस बारे में बात करें तो भाई पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंगापुर यूनिवर्सिटीज या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में गेट के बेसिस पर भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ, आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप टेक्निकल छोड़ के किसी नॉन टेक्निकल के एग्जाम के बेसिस पर अमेरिकन, यूरोपियन या फिर सिंगापुर की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन पाते हैं, तो भैया अभी अभी वहां के फॉर्म में आपसे ना गेट का एग्जाम का रिजल्ट भी पूछा जा रहा है, दूसरे एग्जाम आपने कौन से फेस किया वो भी आपको लिखने बोला जा रहा है। हालांकि गेट का एग्जाम का रिजल्ट के बेसिस पर वहां पे एडमिशन होने का नहीं है, लेकिन लोग पूछ जरूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए है अच्छे बंदे, उनको चाहिए ऐसे बंदे जिनका टेक्निकल स्ट्रांग हो। और अगर आपका गेट क्लियर है, गेट का कट ऑफ निकल गया है, आप अच्छे टेक्निकल बंदे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्निकल की, आपको बेसिक तो आता ही है। गेट का कट ऑफ निकल गया मतलब आपको बेसिक टेक्निकल तो आता ही है, यह तो श्योर हो जाता है अगर आपका गेट का कट ऑफ निकल जाता है तो। और अब बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपसे गेट का स्कोर भी पूछने लगी है। दोस्तों अब ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का जो
फेज 3 भारत में स्टार्ट हुआ, इसमें कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कई सारे गेट की कोचिंग्स को भी जोड़ दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह सब चीजें किया जा रहा है। इसमें जो टीचर्स को रिक्रूट किया गया है उनको सैलरी बहुत अच्छी है, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा अलग अलग तरीके के सेमिनार, अलग अलग तरीके का कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहे हैं जिसके थ्रू इम्प्रूव किया जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन की। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, भारत के बहुत सारे इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं। तो अभी आप मैप देख सकते हैं, इन किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं। आप इन कोऑर्डिनेटर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में कैसे आपको आना है उस बारे में भी बात कर सकते हैं। और फेज 3 के अंदर तो अब ये गेट की कोचिंग को भी इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेट की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए 62 इंस्टीट्यूट्स हैं और अब तक ये लोग 15,900 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं स्टूडेंट्स का और अप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है TEQIP3 इनिशिएटिव का। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है 41 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। इसके थ्रू 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो चुका है। इंडिया के 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस को TEQIP फेज 3 प्रोग्राम के अंदर लाया गया है, जहां पे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गेट की ट्रेनिंग दी जा रही है, गेट की कोचिंग दी जा रही है ताकि उनका टेक्निकल स्ट्रांग हो, ताकि वह गेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके और आगे चल के जो अपनी ड्रीम्स है वह सब फुलफिल कर सके, पूरी कर सके। और वर्ल्ड बैंक तक इस बारे में सोच रहा है। सोचिए आप, वर्ल्ड बैंक ने भारत में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। वर्ल्ड बैंक को ये समझ में आ रहा है कि भारत में टेक्निकल कितना कम होते जा रहा है, नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, नॉन टेक्निकल के बल पे आगे बढ़ जा रहे हैं, टेक्निकल वाले पीछे छूटते जा रहे हैं। और भाई वर्ल्ड बैंक को ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक भारत की सरकार को शायद ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार अपनी तरफ से तो कुछ करे, अपनी तरफ से दुनिया तो सपोर्ट करेगी इंडिया का, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है भारत के स्टूडेंट्स के लिए वह भी देखने वाली बात है। और भाई जैसा कि आप भी जानते हैं यार, आरआरबी जेई में क्या हुआ, जहां पे जिन लोगों को टेक्निकल स्ट्रांग था, जिनका टेक्निकल अच्छा था, वो CBT 1 में ही बहुत सारे लोग बाहर हो गए, जबकि जो नॉन टेक्निकल अच्छे से करते थे वो CBT 1 आराम से क्लियर कर लिया। और CBT 2 में उनको कितनी ज्यादा दिक्कत, कितनी ज्यादा परेशानी आई है वह सब भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज को दिख रहा है, दुनिया के टॉप के जो इंडस्ट्रीज है जहां पे भारत के इंजीनियर्स पहुंच रहे हैं उन सबको दिख रहा है, लेकिन पता नहीं भारत सरकार की आंखें कब खुलेगी। मैं चाहता हूं इंडिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं, ग्लोबल टेक्नोक्रेट्स हैं, बेहतरीन रहे, भारत का नाम करें, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो इससे भारत का नाम डूबेगा। लोग बोलेंगे भैया इंडिया के इंजीनियर्स आ तो रहे हैं लेकिन इनको कुछ तो आता नहीं है। मैं चाहता हूं ये ग्लोबल टेक्नोक्रेट जो भारत के हैं ये स्ट्रांग बने, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के साथ साथ आपको सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके का प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज और गेट के कोचिंग के लिए, आपके लिए बेस्ट है। भाई आप जरूर मैप देखिए, आप देखिए कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे है और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट कीजिए और आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपने गेट की कम से कम दाम में। आप जैसा कि आप जानते हैं 50-60 हज़ार रुपये तो फीस हो गई है एक साल के गेट की, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत कम पैसा लगेगा, कहीं कहीं में पैसा नहीं भी लगेगा, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़िया है कि कम से कम कोई तो भारत के इंजीनियर्स का, भारत के इंस्टीट्यूट्स का ध्यान रख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आप अगर अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए, इस फेस के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा। लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, विदेशों में जाके बड़ी यूनिवर्सिटी से आके पढ़ाई करेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आप जाके काम करेंगे, ग्लोबल टेक्नोक्रेट बनेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।